तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एड ऑफिस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2021 के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा को लेकर वैसे तो बहुत सारे विवाद लगे हुए हैं और लगातार बहुत सारी जानकारियां आप सभी को इस चैनल के माध्यम से दी भी जा रही हैं। तो जितने अभ्यर्थी वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारियाँ मिलती रहें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी भर्ती को लेकर या फिर किसी अभ्यर्थी की अगर हम बात करें, जब भी वो किसी परीक्षा में बैठने जा रहे होते हैं, सबसे बड़ा सवाल उनके मन में कट ऑफ को लेकर देखने के लिए मिलता है कि आखिर उनकी कट ऑफ ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी, कितने नंबर पर उनका चयन हो सकता है। और भी बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में भी आते होंगे, क्योंकि अगर आपने अपना टारगेट बना लिया होगा कि इस बार तो टीजीटी पीजीटी की 12,000 में से एक सीट मेरी पक्की है, तो इसको लेकर आप सभी को भी विचार करने की आवश्यकता है। असल में टीजीटी पीजीटी को लेकर एक छोटा सा विवाद आपको देखने के लिए मिल रहा है, जिसके अंदर मांग जनपद साथ में मंडल की जा रही है, लेकिन बहुत सारे छात्र इस बात को लेकर अभी भी जानकारी नहीं है कि आखिर जनपद पे होने से साथ में मंडल पे होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक नुकसान उनको भी हो सकता है जो इस भर्ती के अंदर मेहनत करके अपनी सीट लेने का प्रयास कर रहे हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास करूं, टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा की हम बात करें या फिर इसके अलावा एलटी गेट या फिर 69,000 की बात करें, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी इस भर्ती से बाहर हो गए 69,000 शिक्षक भर्ती में से। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे रहे होंगे। उसके पीछे दो सबसे बड़े कारण देखने के लिए मिले, पहले या तो पीएनपी की गलती कहें या फिर अगर हम बात करें यहाँ पे परीक्षा करवाने वाली संस्था की गलतियाँ। क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि कॉमन नंबर दे दिए गए 3 नंबर, जिसकी वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो क्वालिफाई थे उनको बाहर होना पड़ा। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान यहाँ पर यह होता है कि जब भी किसी भर्ती के अंदर परीक्षा करवाई जाती है तो पेपर लीक हो जाते हैं, सॉल्वर बैठ जाते हैं, धांधली देखने के लिए मिलती है, और इससे कहीं ना कहीं ऐसे अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाते हैं, ऐसे छात्रों को नौकरियाँ मिल जाती हैं जो कि असल में किसी भर्ती में बैठने लायक तो दूर की बात है, किसी नौकरी के लिए लायक भी नहीं होते हैं, है ना। अगर आपने 69,000 के टॉपर देखे होंगे तो 144 नंबर लाकर भी उनको ये नहीं पता था कि हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का नाम क्या है। इसके अलावा तो मैं क्या आपको एग्जांपल देकर के समझाऊंगा। तो ऐसा ही कुछ टीजीटी पीजीटी के अंदर है। कट ऑफ को लेकर आपके मन में सवाल होगा बहुत सारे, आपने यहाँ पे सर्वे बहुत सारी जानकारी आप सभी ने देख ली होंगी, पिछला पुराना या फिर नया कट ऑफ भी आपने देखा होगा, लेकिन जो कट ऑफ डिसाइड करेगा वो कहीं ना कहीं पेपर के लीक या फिर पेपर के अंदर धांधली या फिर अगर हम बात करें जो सॉल्वर होंगे उनका भी बैठना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। आमतौर पर एक अभ्यर्थी का जो टारगेट होता है वो तभी डिस्टर्ब हो जाता है जब पेपर के अंदर धांधली या फिर नकल जैसे मामले देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि परीक्षा को अगर जनपद पर करवाया जाता है, यहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको बताया कि चयन बोर्ड की तरफ से बताया गया है कि तदर्थ शिक्षकों के जो पद होंगे उनको मूल विज्ञापन में जोड़ा जाएगा और उसके बाद में आप सभी का यहाँ से जो चयन है वो करवा लिया जाएगा। लेकिन ऐसे में अगर तदर्थ शिक्षक यहाँ पर घोटाला करते हुए निकल जाते हैं, और सिर्फ तदर्थ शिक्षकों की बात नहीं है, जनपद स्तर पर परीक्षा होने से बहुत सारे अभ्यर्थी भी घोटाला कर लेते हैं। यहाँ पर तो तदर्थ शिक्षकों की बात इसलिए ज़्यादा की जा रही है क्योंकि जिन विद्यालयों के अंदर परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उसके अंदर स्वयं तदर्थ शिक्षक हैं, है ना। तो ऐसे में तदर्थ शिक्षकों का नाम तो लिया ही जा रहा है, लेकिन इस बात को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि सिर्फ तदर्थ शिक्षक ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुन्ना भाई भी होंगे जो कि 69,000 एलटी गेट या फिर तमाम भर्तियों के अंदर सेंधमारी करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ से ऐसा नहीं है, जिन छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि अगर थोड़ी बहुत धांधली हो भी जाती है तो तदर्थ शिक्षकों की सीटें तो जुड़ी जाएंगी, एग्जाम्पल के तौर पर सभी जनपद पर तदर्थ शिक्षकों की सीटें यहाँ पर जोड़ दी जाती हैं और उसके बाद में यहाँ पर धांधली होती है, ज़्यादातर तदर्थ शिक्षक चयनित हो जाते हैं, उसके बाद जो मुन्ना भाई होंगे वो भी यहाँ से सीटों को ले जाएंगे, तो कट ऑफ कितनी ज़्यादा हाई जाएगी। इसी वजह से 69,000 के अंदर धांधली हुई, ज़्यादातर अभ्यर्थी योग्य अभ्यर्थी बाहर हो गए। एलटी गेट के अंदर भी ऐसा देखने के लिए मिला, बहुत सारे मामले देखने के लिए मिले कि मुन्ना भाई सॉल्वर बैठे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, 4 दिन मामला कोर्ट में चला, उसके बाद मामला शांत हो गया और इसके ऊपर कोई फैसला अभी तक आपको देखने के लिए नहीं मिला। तो कट ऑफ का जो डिसाइड होगा वो कहीं ना कहीं इस पर भी डिसाइड करेगा कि पेपर के अंदर कितनी धांधली हुई है, क्या पेपर कहीं पर लीक हुआ है, क्या कोई धांधली करके यहाँ पर परीक्षा के अंदर पास हुआ है या फिर सॉल्वर बिठाए गए हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि परीक्षा को मंडल स्तर पर कराए जाने की मांग की जा रही है। अब मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा अगर ऐसे हुई तो कट ऑफ और भी ज़्यादा कम रहेगी। उसका रीज़न ये है कि अगर जनपद स्तर पर परीक्षा ना कराते हुए मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जाए और शासन प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे कार्य किए जाएँ जिसके चलते परीक्षा के अंदर धांधली नहीं होती है,
है ना, और साथ में जो तदर्थ शिक्षकों की धांधली होने की संभावना है वो मंडल स्तर पर कम हो जाएगी लेकिन जनपद स्तर पर बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाएगी। अगर मंडल स्तर परीक्षा कराई जाएगी तो जो मुन्ना भाई होंगे उनकी भी, छोटे मोटे जो मुन्ना भाई हैं उनकी यहाँ पे जो सेंध भाई है वो नहीं चलेगी। बाकी अगर चयन बोर्ड के या फिर कोई अधिकारी मिलकर के ऐसा कांड करवा दें तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, हर एक भर्ती की परीक्षा यहाँ पर लीक हो जाती है और नुकसान सिर्फ और सिर्फ उन्हीं छात्रों को होता है जो मेहनत करके पिछले काफ़ी लंबे समय से भर्तियों का इंतजार कर रहे होते हैं। क्योंकि आमतौर पर जो भर्ती परीक्षा की कट ऑफ निर्धारित होती है वो सीटों की संख्या के आधार पर, पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर, लेकिन जब भी कोई अभ्यर्थी यहाँ पर धांधली करके क्वालिफाई होता है तो इससे सबसे बड़ा नुकसान ही हो जाता है ना, क्योंकि सीटों की संख्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12,000 है। इसी वजह से अगर परीक्षा को मंडल स्तर पर करवाया जाता है तो मुश्किल से मान करके चलें अगर तदर्थ शिक्षकों की संख्या 10 से 12,000 है तो यहाँ पे उनमें से पास होने वालों की संख्या 1,000 या 2,000 से ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपको पता होगा तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 40,000 से ज़्यादा शिक्षा मित्र थे, 40,000 में से सिर्फ और सिर्फ 7 से 8,000 ही शिक्षा मित्र 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई किए थे। तो ऐसा ही सेम तदर्थ शिक्षकों के साथ है। तदर्थ शिक्षकों की योग्यता की अगर बात की जाए तो इनको किसी क्वालिफिकेशन के बेस पर नहीं रखा गया था, जैसे कि हम बात करते हैं शिक्षा मित्रों के बारे में, क्योंकि उनको जब 69,000 शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिला था तो यहाँ पे उनके लिए TET क्वालिफाई करना अनिवार्य था। जो TET क्वालिफाई करके बैठे थे उनकी आधी प्रिपरेशन 69,000 की वैसी हो जाती है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो सिलेबस है वो सेम है। हालांकि शिक्षक भर्ती का सिलेबस थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इन शॉर्ट समझने का प्रयास करें तो शिक्षा मित्रों की एक अपनी प्रिपरेशन थी इस भर्ती में बैठने के लिए। लेकिन तदर्थ शिक्षकों की अगर बात की जाए तो उनकी TGT PGT के अनुसार कोई प्रिपरेशन नहीं थी, क्योंकि ना तो उनको क्वालिफिकेशन के बेस पर रखा गया, पहला। दूसरा, उनकी जो नियुक्तियाँ हुई थी चाचा भतीजे के तौर पर देखने के लिए मिली, जैसे कि अगर कोई मेरा सगा संबंधी है और अगर मेरा विद्यालय है तो मैंने उनको यहाँ पर नियुक्ति दे दी। तीसरा पॉइंट ये भी था कि ज़्यादातर तदर्थ शिक्षक अभी तक यही सोच करके बैठे हैं कि उनकी परीक्षा ना करवाई जाए तो उनको बेनिफिट मिल जाए, या फिर ज़्यादातर तदर्थ शिक्षक ये भी चाहते हैं कि जनपद स्तर पर परीक्षा करवा दी जाए तो यहाँ से वो कहीं ना कहीं धांधली करते हुए अपनी सीट को बचा लें, क्योंकि इसके बाद में उनकी नौकरी यहाँ से हट जाएगी, मतलब कि ख़त्म हो जाएगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो तदर्थ शिक्षकों की संख्या अगर हम बात करें, यहाँ पर मेहनत करके भी तदर्थ शिक्षक क्वालिफाई हो जाते हैं मंडल स्तर पर, तो ज़्यादा से ज़्यादा मान करके चलें कि 1,000 से ज़्यादा आपको तदर्थ शिक्षक क्वालिफाई देखने के लिए नहीं मिलेंगे मंडल स्तर पर। और इसके बाद जितनी भी तदर्थ शिक्षकों की सीटें होंगी वो कहीं ना कहीं BEd अभ्यर्थियों को मिल जाएंगी, जो कि फ्रेश अभ्यर्थी होंगे यहाँ पे, जो इस भर्ती के अंदर काफ़ी लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को सीटें मिलती हैं तो मज़ा ही कुछ और होता है। इसी वजह से जो कट ऑफ का निर्धारण होगा वो सब कुछ डिपेंड करेगा कि परीक्षा कहाँ पर करवाई जाती है, किस स्थिति में करवाई जाती है, क्या इसके अंदर कोई धांधली हुई है या फिर नहीं हुई है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी इतनी उम्मीदें नहीं थी कि 1,40,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हो जाएंगे, और TGT PGT के अंदर तो आप सभी समझदार हैं। तो ऐसे में तदर्थ शिक्षकों की अगर बात की जाए, मंडल स्तर पर परीक्षा करवाई जाती है तो 1,000-1,200 से कम ही यहाँ पर तदर्थ शिक्षक क्वालिफाई होंगे, और जो बाकी सीटें बचेंगी 10 से 15,000 वो सभी फ्रेश अभ्यर्थियों को मिल जाएंगी, तो कट ऑफ और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि कट ऑफ कम जाने की दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहली ये है कि मंडल स्तर परीक्षा करवाया जाए, अगर परीक्षा में धांधली नहीं होती है और तदर्थ शिक्षकों की सीटें जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे कम से कम 1,000-1,200 तदर्थ शिक्षक क्वालिफाई हो भी जाएंगे, तब भी उनकी बची हुई 10 से 12,000 सीटें आपको और मिल जाएंगी, जहाँ पर आपका 12,000 में 1 से 2 नंबरों पर चयन रुक जाता है तो दूसरी तरफ आपका 4 से 5 कम नंबर होने पर भी तदर्थ शिक्षकों की सीटें आपको मिल जाएंगी, तो आपका चयन और भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। हालांकि इसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी दूंगा कि किस प्रकार आपका चयन होगा, कितने नंबर पे होगा, क्या टारगेट होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा नज़दीक है और मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता भी है। कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें और साथ में शेयर भी कर दें। अब सवाल ये तो हो जाता है कि कट ऑफ कैसे कम जाएगी, तदर्थ शिक्षक कितने चयनित होंगे। एक सवाल ये भी आता है कि कट ऑफ ज़्यादा कैसे जा सकती है। ज़्यादा जाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसका उल्टा कर दीजिए, अगर परीक्षा जनपद स्तर पर करवाई जाती है तो सिर्फ तदर्थ शिक्षक ही चयनित नहीं होंगे, यहाँ पर वो अभ्यर्थी भी चयनित हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं मुन्ना भाइयों के थ्रू अपने पेपर को सॉल्व करवाएंगे, पेपर लीक जैसे मामले देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि मंडल स्तर पर बड़ी से बड़ी परीक्षा लीक हो जाती है, और ये TGT PGT तो आप सभी जानते हैं कि छोटे छोटे जनपद पे करवाई जाएगी, तो वहां से परीक्षा लीक होने की संभावना और भी ज्यादा है। इसीलिए ऐसे में अगर परीक्षा जनपद स्तर पर करवाई जाती है, धांधली या फिर भ्रष्टाचार देखने के लिए मिलता है, तो कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई भी रहेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को
अपनी एक सीट का टारगेट करके चलना चाहिए जिससे कि आपको बड़ी आसानी से यहाँ से जीत मिले। बाकी चयन बोर्ड की तरफ से मंडल स्तर पर परीक्षा कराए जाने को लेकर कल जो मुलाकात हुई थी उसमें उनकी तरफ से सहमति जताई गई है, लेकिन अभी फैसला नहीं लिया गया है। अगर चयन बोर्ड ये फैसला ले लेता है कि परीक्षा को मंडल स्तर पर साफ सुथरे तरीके से करवाया जाएगा तो कट ऑफ के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ योग्य अभ्यर्थी चयनित होंगे, ऐसी मेरी जानकारी है जबकि मैंने आप सभी को समझा दी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारा का सारा जो हिसाब किताब है समझ में आ चुका होगा, मंडल को लेकर, जनपद को लेकर, कट ऑफ को लेकर। लेकिन अभी भी आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है सब कुछ समझने के बाद, परीक्षा जनपद पे होनी चाहिए कि मंडल पे होनी चाहिए? परीक्षा के अंदर धांधली अगर ना हो तो बहुत सारे अभ्यर्थी और भी चयनित हो सकते हैं क्योंकि सीटों की संख्या तो अभी और भी बढ़ेगी। बाकी ये हो जाती है तमाम जानकारी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।